आज मेरे पास एक स्टूडेंट का कमेंट आया, आई वॉन्ट टू बी ए टॉपर, व्हाट आई डू प्लीज सजेस्ट। तो सबसे पहले यदि आप लोगों को बीएड या एमए में एडमिशन लेना है तो आपको टॉपर बनना ही पड़ेगा। सबसे पहली बात ये, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 टिप्स दूंगा जिसके तहत मैं आप लोगों को 100% गारंटी दे सकता हूं कि आप टॉपर बनेंगे। आज इस वीडियो को आप देख लीजिए और जब आपका रिजल्ट निकलेगा तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताना कि ये टिप्स आपके लिए सही रही या नहीं रही, और इन टिप्स को आपको फॉलो भी करना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को 6 टिप्स बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, अपने समय की कीमत समझें, मतलब अपने टाइम की वैल्यू समझें। हमेशा हमारे साथ होता यह है कि हम सभी में टॉपर बनने की ख्वाहिश होती है, हम सभी चाहते हैं कि हम पेपर में इस साल बढ़िया नंबर लेके आएंगे, क्योंकि हम एक बार फेलियर देख चुके होते हैं। अब ये ख्वाहिश हमारे मन में रहती है, लेकिन हम सोचते हैं कि चलो दिसंबर से हम पढ़ाई की शुरुआत करेंगे, चलो जनवरी के महीने से शुरुआत करेंगे, चलो जब पेपर में 3 महीने बाकी रहेंगे तब शुरुआत करेंगे। और ऐसे ही हमारी सोच में फिर हम पेपर के एक रात पहले सोचते हैं कि छोड़ो, अब हम सेकेंड ईयर में तैयारी करेंगे, अब हम थर्ड ईयर में तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए, बार बार यही सर्कल हम घुमाते हैं और बार बार हमारे साथ यही होता है कि हम टाइम की वैल्यू नहीं समझते हैं। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता यही है कि मैं ये नहीं कह रहा है कि रोज़ 8 घंटे आप बीए को दीजिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोज़ तकरीबन 30 मिनट भी आप दीजिए, पढ़ाई के साथ रेगुलर जुड़ के रहिए। ये मत सोचिए कि पढ़ाई को मैं साफ करूँ बंद और नवंबर से पढ़ाई चालू होगी या दिसंबर से पढ़ाई चालू होगी या जनवरी से पढ़ाई चालू होगी, तो ये सोच आपको डुबाएगी। ये बात आप मेरे से लिखवा के आप ले सकते हैं, इस बात की मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि यदि ये लक्षण आप में हैं काम को टालने के या आलस के, तो ये तय है कि आप कभी एक टॉपर नहीं बन सकते। आप ख्वाहिश हर साल देखेंगे लेकिन वो ख्वाहिश शायद ही कभी पूरी होगी। दूसरी बात कि आपका जो सिलेबस है आप केवल वही पढ़ें, मतलब कि चाहे आप जिस भी यूनिवर्सिटी से हैं, चाहे आपके पास ऑनर्स है, बीए प्रोग्राम है, आपका जो सिलेबस है आप सिर्फ वही पढ़िए। सिलेबस आपका इंग्लिश में है तो कोई ऐप के माध्यम से या जैसे भी आप उसको हिंदी में कीजिए और उस सिलेबस को आप पढ़िए। और पहले से ही आप यदि इंग्लिश मीडियम में हैं तो ठीक ही है। तो सेकंड बात यह है कि आपका जो सिलेबस है आप सिर्फ वही पढ़िए। चाहूँगा थर्ड टिप जो है कि पिछले साल के प्रश्नों को हल करें, यानी कि आप कोई सा भी भारत देश में एग्ज़ाम दे लीजिए, चाहे गवर्नमेंट जॉब का, चाहे यूपीएससी का, चाहे कोई भी एग्ज़ाम। आपको 100 बार, आपने ये पहले भी सुना होगा कि पिछले साल के जितने भी आपके पेपर हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, क्योंकि वहीं से हमारे क्वेश्चन जो है आते हैं या हमारी तैयारी हो जाती है कि हमने क्या पढ़ा है या हमारी तैयारी कहाँ तक हुई है। तो हर एक एग्ज़ाम में हमें यही बात समझाई जाती है कि पिछले साल के पेपर को आप पढ़ें, लेकिन हम इन बातों को सुनते नहीं हैं क्योंकि हमारा तो सिलेबस ही ख़त्म नहीं होता है, तो यही कारण है। तो सबसे पहले सिलेबस ख़त्म करें और उसके बाद पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स को हल करें। और यदि आप बीए में हैं तो आप 10 ईयर ले सकते हैं मार्केट से, 10 ईयर में आपके तीनों मेन सब्जेक्ट के आपको 10 साल के क्वेश्चन पेपर आंसर्स के साथ आपको वहां पे मिल जाएंगे, यानी कि 10 ईयर में क्वेश्चन और आंसर आपको दोनों ही मिलते हैं। फोर्थ टिप है कि अपने पास कम से कम स्टडी मटेरियल रखें, मतलब कि आमतौर पर हमारे साथ क्या होता है कि हम पढ़ाई के जोश में यानी कि टॉपर बनने की चाह में हम ढेर सारी राइटरों की खरीद के ला लेते हैं बुक, साथ में दूसरों के नोट्स, साथ में YouTube,
साथ में यूट्यूब पे ढेर सारे चैनल, साथ में विकिपीडिया। तो यहाँ पे हर एक चीज़ को हमें समझने के लिए, मान लीजिए कि आपके पास एक टॉपिक है कि आपको समझना है स्वतंत्रता क्या है, तो नॉर्मली आपके पास यदि मटेरियल कम है तो आप बिना आलस के उस चीज़ को पढ़ सकते हैं और आप बढ़िया से समझ सकते हैं। वहीं आप चार राइटरों की आपके पास बुक है, अब चारों राइटरों को आप पढ़ेंगे, हर किसी का समझाने का तरीका, बताने का तरीका अलग होता है, तो यहाँ पे आपका टाइम भी बर्बाद होगा, दिमाग भी खर्च होगा और आप समझेंगे बहुत ही कम। इसीलिए अपने पास कम से कम स्टडी मटेरियल रखें और आलस से और काम को टालने की आदत से बचें। पांचवी सबसे बड़ी बात है कि अपने नोट्स खुद ही बनाएं। यानी कि हमारे साथ क्या होता है कि हम सोचते हैं कि दूसरे के नोट्स मिल जाएं तो दूसरा हमसे ज़्यादा होशियार है या शायद हम ये नोट्स पढ़ के ज़्यादा नंबर ला पाएंगे, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। इसीलिए आपको बुक में से आप जो भी पढ़ो उसके नोट्स आप खुद ही बनाओ। तो जब ये आप नोट्स बनाओगे तो मान लो कि पेपर के टाइम में कोई कारण से आप उस टॉपिक को आपसे याद ना हो या आप पढ़ाई को टाइम ना दे पाए, फिर भी आप पेपर में आम लोगों की तुलना में बहुत बढ़िया नंबरों से पास हो सकते हैं यदि आपके बनाए हुए नोट्स आपके पास हैं और वो आपको याद भी नहीं है, सिर्फ आपने उन नोट्स को अपने हाथों से बनाया है। तो यही एक रीज़न है कि आपको अपने नोट्स खुद ही बनाने चाहिए और जहाँ से भी आपको नोट्स मिले, फ्री में मिले, तो ना तो उसकी फोटोकॉपी करवाएं और ना वो नोट्स लें और ना दूसरे के नोट्स को पढ़ें, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो ये हैं आपकी सबसे ज़रूरी पांच टिप्स और इसके बाद मैं बात करूँगा आपके छठे नंबर की टिप्स की, जो कि आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। इन पांचों को समझने के बाद सिक्स नंबर पे है कि आप इस चैनल यानी कि पॉलिटिकल हाईवे को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है कि जो आपको कहता है कि पढ़ाई कीजिए और कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो तो वो हमसे पूछिए, उस सवाल का जवाब देने के लिए मैं हूँ, उस सवाल को समझाने के लिए मैं हूँ। तो इसीलिए आप कोई भी बुक पढ़िए, कहीं से भी सवाल आप लेकर आइए और कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। इसीलिए बुक पढ़िए, कोई भी सवाल हो तो वो मुझे बताइए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और इस चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि ये चैनल मैंने आप लोगों के लिए ही बनाया है। तो इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं ताकि मेरा भी कुछ मनोबल बढ़े।